नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सचिन शर्मा। इस वक्त हम कुखड़ाना गांव से राखी प्लांट से सीधा लाइव हुए हैं और आपको आज दिखाएंगे कि किस तरीके से इस राखी ने आतंक मचा रखा है और आसपास के जो गांव हैं वो किस तरीके से इस राखी प्लांट से दुखी हैं, परेशान हैं। आज राखी प्लांट से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि राखी किस तरीके से आतंक मचा रही है आसपास के गांव में, किस तरीके से आसपास के गांव के लोगों का जीना मुहाल हो गया है। आज जैसे ही तेज हवाएं चली तो राखी का आतंक उसी वक्त शुरू हो गया और आज जैसे तेज हवाओं का जो रुख है वो थर्मल प्लांट की तरफ है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि थर्मल प्लांट बिल्कुल मेरे नज़दीक है, लेकिन आप थर्मल प्लांट को धुंधला देखेंगे क्योंकि राखी बहुत ज़्यादा उड़ रही है। तेज हवाओं ने इतनी राखी उड़ा दी है कि आसपास का जो अक्षेत्र है वो पूरी तरह से कवर हो गया है। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं राखी प्लांट से, इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि नीचे से गांव के लोगों से कई बार हमने बातचीत की, लेकिन आज यहाँ पर राखी का बहुत ज़्यादा आतंक देखने को मिला। तो हमने सोचा क्यों ना हम राखी प्लांट के ऊपर जाकर लाइव तस्वीरें दिखाएं। आप दूसरी तरफ देख सकते हैं कि गांव है, चारों तरफ से अब राखी ने उड़ना शुरू कर दिया है और आसपास के गांव को इस राखी ने घेर लिया है, पूरी तरह से कवर कर लिया है। ये देखिए, पूरा जो सामने मेरा गांव है ये कुखड़ाना गांव की तस्वीरें हैं। अब चारों तरफ से जो है राखी वो उड़ना शुरू हो गई है और सामने से जो हवा का रुख जिस तरफ से है उस तरफ ज़्यादा जो है राखी देखने को मिल रही है। इससे रोज़ाना सड़क हादसे तो होते ही हैं और अनेक तरह की बीमारियां भी देखने को मिलती हैं। हम आपको बता दें, पीछे एक रिपोर्ट आई थी करीब एक महीना पहले, सैकड़ों लोगों की उसमें जाने चली गई सिर्फ राखी की वजह से। लोगों को कैंसर है, सांस की बीमारियाँ हैं। दो साथी हमारे साथ हैं कुखराना गाँव के, उनसे भी बातचीत करेंगे क्योंकि अच्छी तरीके से जानकारी तो वही हमें दे सकते हैं कि वो किस तरीके से परेशान। हालांकि कुछ और लोग भी हमारे साथ गांव के थे, नीचे जुड़े हुए हैं, लेकिन वो ऊपर नहीं आ सके क्योंकि रास्ता भी थोड़ा सा खराब है और बाइक से हम आए हैं और दो लोग मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि ये राखी का जो आतंक है वो कैसे लगातार जारी है और कितने आप उससे परेशान हैं। जी, नाम बताइए अपना और थोड़ा सा बताइए राखी के बारे में, किस तरीके से कितनी दिक्कतें हैं। मैं दिलीप कुमार, मेरे गांव में राखी का पिछले 20 से 25 साल से बहुत ज़्यादा ही प्रदूषण का प्रकोप है। मेरे गांव में अभी स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2-3 साल में मेरे गांव में करीब करीब 20 से 25 मौतें प्रदूषण के कारण हुई है, जिनको दमा, कैंसर, टीवी और स्किन की प्रॉब्लम थी। अब भी मेरे गांव में दमा कैंसर के मरीज ज़्यादा बढ़ रहे हैं राखी के प्रदूषण से। गांव में बाहर निकलना दुर्भर हो गया है, गांव के लोग बाहर कपड़े भी सुखा नहीं सकते और कहीं यहां इतना प्रकोप तक हो गया है जी कि शादी के रिश्ते वाले भी है ना, गांव में रिश्ता करने को राजी नहीं होते क्योंकि यहां पे प्रदूषण ज़्यादा है। बोलते हैं कि ये तो नरक वाला गांव है, इसमें हम अपनी लड़की को क्यों दें। ऐसा गांव में जो कुंवारों लड़कों की भी तादाद बढ़ती जा रही है। थर्मल का तो प्रदूषण था ही, साथ में अपने ये श्री सीमेंट फैक्ट्री आ गई, श्री सीमेंट फैक्ट्री वाले भी खूब दबा के प्रदूषण कर रहे हैं। कई बार पोल्यूशन बोर्ड को शिकायत करने के बाद भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। पोल्यूशन बोर्ड वाले पहले ही बता देते हैं कि आपकी शिकायत आई हुई है और ये जैसे ही वो आते हैं ये अपना फैक्ट्री बंद कर देते हैं, अपने पानी पूनी छिड़क देते हैं। अदरवाइज ये कोई पानी पूनी का कोई इनका सिस्टम नहीं है, ना कोई झाड़ू वाले लगे हैं। इतना प्रकोप है गांव में बहुत ज़्यादा प्रदूषण का। तो आज जैसे तेज हवाएं चली तो चारों तरफ राखी ही राखी उड़ रही है, कितनी समस्या है इस चीज़ से। समस्या ये है कि आज गांव से कोई भी बाहर नहीं निकल रहा जी, गांव के सभी अपना दरवाजा बंद करके बैठे हुए हैं। कोई भी बाहर, कोई बच्चा बाहर नहीं खेल रहा क्योंकि सांस के जरिए ये फेफड़ों में जम जाती है और टीवी के मरीज़ ज़्यादा बढ़ रहे हैं जी। तो मरीजों की अगर बात करें तो किस किस चीज़ के ज़्यादा मरीज हैं यहाँ पर, राखी की वजह से क्या वो बीमारी से ग्रस्त हैं? हाँ, अभी आप हर एक घर में आपको स्किन का तो मरीज़ मिलेगा ही,
और टीवी के हो गए, कैंसर के मरीज है, स्किन प्रॉब्लम तो है ही घर में, हर प्रत्येक घर में मिलेगी आपको स्किन प्रॉब्लम, और जी दमे के ज़्यादा। क्या लगता है कभी शिकायत नहीं की इसकी और कोई कार्रवाई नहीं होती है? शिकायत करते हैं बट समय समय पर शिकायत करते रहे, पर ये है कि थर्मल अधिकारी या ये श्री सीमेंट वाले अधिकारी पोल्यूशन बोर्ड वालों को ही खरीद लेते हैं। कई बार हमने से उनसे कॉल की तो वो आए या नहीं आते, ऐसा कर देते हैं, टाल देते हैं बात को। तो जैसे आज राखी उड़ रही है इस तरीके से, क्या किसी तरह की कोई नकेल भी कसी जाती है राखी जैसे दिन भर भरी जाती है, कोई उनको रोकने के लिए किस तरह के कोई आदेश भी दिए? आदेश अधिकारी लोग आदेश दे देते हैं तो ये बदमाश टाइप के लोग हैं, ये भरते रहते हैं गाड़ियों को और चलती रहती है, ऐसे ही अधिकारियों की भी अनसुनी कर देते हैं। तो आज तो माहौल बिल्कुल खराब है क्योंकि तेज हवाएं चल रही है, और हमने भी एक रिस्क लिया है कि प्लांट के ऊपर आए हैं और राखी में हम ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अभी इनको बंद करने के तो आदेश आया पर अभी भी दो तीन मशीनों वाले अभी भी गाड़ियां भर रहे हैं। तो देखा आपने, संदीप नाम के व्यक्ति हैं, गाँव के रहने वाले हैं, और उन्होंने ये तमाम तरह की बातें बताई। बहुत सारे हर घर में मरीज मिल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि रिश्ते अब हो नहीं रहे हैं, ये कई बार गांव के लोगों की शिकायत रहती है। इससे पहले भी हम कई बार खबरें चला चुके हैं जिनका यही कहना है कि इस गांव को नरक घोषित कर दिया है और यहां पर कोई रिश्ता करने के लिए भी नहीं आता है। बहुत सारे लोगों की संख्या यहां पर, कुंवारे युवाओं की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि अब 24 घंटे अगर राख बरसती रहेगी तो कैसे जीवन अच्छा रहेगा, कौन यहां पर अपनी बेटियों की शादी करेगा? ये सच में ही एक सवाल है कि कैसे इन लोगों का जीवन इस नरक से बाहर आएगा। हालांकि सरकार द्वारा गांव को शिफ्ट करने की योजना चलाई गई है, गांव को शिफ्ट किया भी जा रहा है, लेकिन काम जो है वो इतनी धीमी गति से किया जा रहा है। उसको शिफ्ट होने में मुझे ऐसा लगता है जिस गति से काम हो रहा है उसमें कई साल लग जाएंगे, और तब तक बहुत सारे लोगों की जानें चली जाएंगी, बहुत सारे लोग बीमारियों से ग्रस्त हो जाएंगे, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं होने वाला। हालांकि हमें इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन संदीप नाम के इस व्यक्ति ने हमें जानकारी दी है कि जैसे ही इस तरह का माहौल बनता है तो आदेश दिए जाते हैं गाड़ियों को ना भरा जाए, मशीनों को बंद करवा दिया जाता है, लेकिन बावजूद उसके भी कुछ मशीनें लगातार चलती रहती हैं। वो किसकी सह पे चलती हैं, कौन कर्मचारी हैं, कौन अधिकारी हैं, किसकी मिली भगत से इस तरह की जो है मशीनें चलती रहती हैं। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कंट्रोल पोल्यूशन कंट्रोल की तरफ से अगर कार्रवाई होती है तो पहले ही उनको मैसेज, पोल्यूशन कंट्रोल वाले मैसेज दे देते हैं कि आज रेड होने वाली है, तो वो फैक्ट्री को बंद कर देते हैं क्योंकि सीमेंट फैक्ट्री भी है, उसकी तरफ से भी पोल्यूशन फैलता है, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है। और ये राखी का बहुत बड़ा 700 एकड़ में फैला प्लांट है, चारों तरफ आप देख सकते हैं कि अब राखी ने अपना प्रकोप बढ़ा दिया है। जैसे तेज हवाएं चल रही हैं, अब सड़क पर, गांव में, हर तरफ आपको इस इलाके में राख ही राख नजर आएगी, क्योंकि अब इस गांव को तो राख वाला गांव ही कहने लगे हैं लोग, और बहुत सारी बीमारियां यहां पर होने लगी हैं। आज हम इस प्लांट पर ऊपर पहुंचे हैं, आप देख सकते हैं कितनी ऊंचाई पर आज हम पहुंचे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाने के लिए, इस गांव की समस्या को उठाने के लिए कि इस गांव की समस्या का समाधान कब होगा, कितने सालों से ये गांव इस नरक की जिंदगी को जी रहा है। और हम आपको बता दें कि हमारा खबर दिखाने का सिर्फ उद्देश्य यही है कि जल्दी से जल्दी इस राख का समाधान हो, इस गांव को जल्दी से जल्दी शिफ्ट किया जाए। जो अलॉटमेंट की गई थी जमीन की, उस पर काम चल रहा है, लेकिन बहुत धीरे से काम चल रहा है, लेकिन जो राख का प्रकोप दिन प्रतिदिन इन गांव वालों को झेलना पड़ता है, ये दुखद है, बहुत परेशानी वाला है, क्योंकि जब आँख में थोड़ी सी मिट्टी चली जाती है तो बड़ी परेशानी होती है, वाहन यहाँ से गुजरते हैं तो बड़ी परेशानी होती है, लेकिन ये तो 24 घंटे इस परेशानी को झेल रहे हैं। हम आपको आपसे कहेंगे कि आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, इस गांव के हालात को लेकर आप क्या समझते हैं, आप कमेंट करके ज़रूर इस पर अपनी राय दीजिएगा। और हम आपसे एक और निवेदन करना चाहते हैं कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो ऊपर पहुंच सके, और जो हमारे अधिकारी हैं, हमारे मंत्री हैं, जल्द से जल्द इस पर संज्ञान लें और इस राख का कुछ समाधान किया जाए, इस गांव को जल्दी से जल्दी शिफ्ट किया जाए। तस्वीरें आप देख सकते हैं, अगर ये राख ना होती तो सामने का जो व्यू आप देख रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर दिखता, लेकिन आज देख सकते हैं कि जो सामने थर्मल की तस्वीरें हैं वो बिल्कुल धुंधली नजर आ रही हैं, क्योंकि राख बहुत ज़्यादा उस इलाके में उड़ी हुई है, क्योंकि हवा का रुख उस तरफ का है और धुंधलापन आपको नजर आ रहा होगा।
ये आज राख का जो रुख है उस साइड है, तो उस साइड के जो गांव पड़ते हैं, जाटल है, उंटला है, कई गांव उधर लगते हैं, तो उनमें आज राखी का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। हालांकि धीरे धीरे अब ये प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है और हमें भी ऐसा लगता है कि यहाँ से अब चल देना चाहिए, क्योंकि राख से बीमारियाँ हमें भी हो सकती हैं, चर्म रोग हमें भी हो सकता है। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। प्रकोप आप देख सकते हैं, जो गाँव थोड़ी देर पहले बिल्कुल साफ दिख रहा था, अब राख के प्रकोप से अब वो पूरी तरह से ठक गया है। बहुत बहुत शुक्रिया।